मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों ने पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। जनता से बातचीत कर विश्वास अर्जित किया। नगर पंचायत डबरा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, हजारों की संख्या में जरूरतमंदों ने कराया इलाज। वन परिक्षेत्र में महासमुद में विचरण कर रहे दंतैल हाथी की मौत, शिकारी के बिछाईकरण के जाल में फंसने से मौत। वन अधिकारियों ने शिकारी की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए। विशेष पुलिस टीम थाना अकलतरा के प्रभारी ने दो वाहनों को चोरों को किया गिरफ्तार। वारियों और आरोपियों के पास से चोरी वाहन हुए बरामद। ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, रिश्तेदार ने पुरानी रंजिश को लेकर महिला की हत्या की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। नगर पंचायत डबरा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। अघोर पीठ रायगढ़ के तत्वाधान में डॉक्टरों की टीम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान शिविर में जांच कराने आए लाभार्थियों को मेडिकल संचालकों ने निःशुल्क दवाई भी वितरित की। डॉक्टरों ने बताया कि शिविर में उपस्थित मरीजों को पिछले वर्ष से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। काम और जो शरीर के दुख के लिए ना मैं जांच करवाया आए हैं। बढ़िया मैं जाके जांच करी ने कदा मोना फुलेश्वरी ना है। का बीमारी है तो? मोला शुगर और बीपी। तो डॉक्टर मन दवाई दी? हाँ। तो कैसे लगी इलाज है तो? बढ़िया लगी। नहीं, आज का ये शिविर एक बहुत ही वृहद शिविर था और इसका साल भर यहाँ की जनता इंतजार करती है, क्योंकि यहाँ दवा और दुआ दोनों मरीजों को मिलती है। और हर वर्ष जैसा यहाँ पे हमेशा मरीजों की भीड़ होती है, करीब 5,000 से ऊपर मरीज रहते हैं, इस वर्ष भी 5,000 से ऊपर मरीज थे। और व्यवस्था इस बार बहुत ही सुंदर थी, चूँकि जो एरिया है कैंप का वो थोड़ा बड़ा किया गया था और मरीजों के लिए सुविधा भी अधिक थी। और आने वाले जो चिकित्सक हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे थे, उनकी भी संख्या इस वर्ष कुछ ज़्यादा थी। आंगनबाड़ी बच्चों ग्रामीणों ने अंडा दो अभियान के तहत जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा। कुपोषित बच्चों गर्भवती महिलाओं के साथ ही आंगनबाड़ी के सभी बच्चों को अंडा वितरित किया जाए। महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि सरगुजा में 3,000 से अधिक कुपोषित बच्चे गर्भवती महिलाओं को अंडा वितरित किया जाता है। किसान मजदूर संघ के बैनर तले बच्चों के अभिभावकों ने सभी को अंडे वितरित करने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया है, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अग्रिम कार्यवाही अमल लाई जाएगी। हम लोग आंगनबाड़ी में अंडा मांग रहे हैं, स्कूल में अंडा मांग रहे हैं और माध्यमिक शाला में भी अंडा मांग रहे हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चे को जड़ से ही मार दिया जा रहा है, बच्चे में हर एक तरह की विटामिन मिलता है और अंडा से ही मिलता है और अंडा मिल नहीं पा रही है। किससे मांग कर रहे हैं अंडा? अंडा हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से और कलेक्टर से मांग रहे हैं, सरकार से, शासन से। अंडा नहीं देंगे तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, इसमें तो हम राज्य शासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी जो मिड डे मील के लिए जो बजट है उसमें राशि बढ़ाई जाए, इतनी बढ़ाई जाए कि कम से कम 5-6 दिन बच्चों को अंडा दिया जाए। क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसर्च भी किया था इसको लेकर के, करीब 140 आंगनबाड़ी केंद्रों का हमने रिसर्च किया था, जिसमें पाया कि एक जो उनका कहना है कि हम बजट की वजह से, पैसा नहीं मिल पाने की वजह से अंडा नहीं खिला पाते हैं, है ना। तो इस तरह की बातें लोगों का कहना है, तो हम चाहते हैं कि उसमें पर्याप्त बजट बढ़ाया जाए और बच्चों को ICDS केंद्र में मिड डे मील में अंडा खिलाया जाए। हमने जो मांगे की हैं वो है कि हमको अंडा ज़्यादा चाहिए आंगनबाड़ी में, कम से कम 5 दिन का होना चाहिए महिलाओं को, और 6 महीना से 3 साल के बच्चों को THR के हिसाब से भी अंडा देना चाहिए, और कम से कम 2 दिन मध्याह्न भोजन में अंडा होना चाहिए।
हमने सर्वे किए हैं उसमें बहुत ऐसा डेटा तो निकला है, लेकिन ये भी निकला है जब बच्चों से बात किए तब वो बोले हमको अंडा पसंद है, हमको अंडा चाहिए, खुद बोले हैं। तो ये भी एक चीज़ है, बाकी डेटा को आपको मिल ही जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन के कुछ लोग हैं और गाँव वाले लोगों को कुछ लेकर के इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में अंडा हर रोज़ दिया जाए करके। अभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से केवल गंभीर कुपोषित बच्चे जिनकी संख्या लगभग 3000 पूरे ज़िले में, उनको अभी अंडा दिया जा रहा है। और इनकी मांग है कि सभी बच्चों को दिया जाए। अभी इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है, ज्ञापन जैसा है उस पर जो कार्रवाई करनी है वो उच्च अधिकारी उसमें निर्णय लेंगे। ज्ञापन से ले लिया जा रहा है और आगे जो निर्णय होगा उसके आधार पर हम लोग अपना काम करेंगे। दूधनिया कला गांव के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है और सड़क निर्माण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम अंकिता सोम ने ग्रामीणों से बातचीत कर सड़क निर्माण कार्य कराने का आश्वासन दिया और ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत की सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री भयालाल राजवाड़े की बहु वंदना राजवाड़े बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। 2008 की सड़क है, मनरेगा के द्वारा बनी हुई थी और WBN काम हुआ था, लेकिन 2008 से लेकर अब तक इसको पक्का नहीं किया गया था। इसके संबंध में ग्रामीण विरोध कर रहे थे, पहले भी इन्होंने ज्ञापन दिया था। और चूंकि अभी ये सड़क बाईपास से जुड़ी हुई है, हमारे हाईवे का बाईपास है और ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफ़ होती है, इसलिए विरोध में बैठे थे। और चूँकि मतदान का समय तो 7 बजे से रहता है, लेकिन उन्होंने मत नहीं डालेंगे करके विरोध कर रहे थे, लेकिन हमने समझाइश दी, गांव के लोगों ने भी सपोर्ट किया और मतदान अब शुरू हो गया है। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान पंचायत चुनाव और संगठन को मजबूत करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल उपस्थित रहे। संत शिरोमणि महाविद्यालय पामगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बालाजी चौरिटेबल ब्लड सेंटर बिलासपुर ने महाविद्यालय के संयुक्त सहयोग से विद्यालय में एक दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित की। बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। प्रचार कमलजीत राय ने रक्तदान के प्रति लाखों और लोगों को जागरूक भी किया। और सबसे पहले मेरा नाम कमल राय है और मैं संत शिरोमणि महाविद्यालय पामगढ़। आज बालाजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर और संत शिरोमणि महाविद्यालय पामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें महाविद्यालय के बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है, तो मैं खुशी महसूस हो रही है बच्चों को और आगामी में इससे और फायदा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ब्लड डोनेट करने से कई का जिंदगी असमर्थी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दान करना चाहिए। डॉक्टर और संत शिरोमणि तुलसीदास महाविद्यालय पामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में पामगढ़ में आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि जिसके लिए मैं सबसे पहले तो प्रबंधक महोदय संत शिरोमणि तुलसीदास महाविद्यालय के प्रबंधक महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उन्होंने सामाजिक दायित्व को समझते हुए बहुत ही पुण्य पुनीत काम का आयोजन किया, जिसमें बालाजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया है, जिसमें युवा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने आरोपी के पास से 3 चोरी की बाइक बरामद की और आरोपी की पहचान दुर्गा प्रसाद वैश्व निवासी बस्ती सरायपाली के रूप में की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी चोरी की बाइकों की खरीद फरोख्त में संलिप्त है। गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में सख्ती से पूछताछ की जा रही है। दिनांक को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि बस्ती सरायपाली का निवासी दुर्गा प्रसाद वैष्णव के चोरी की मोटरसाइकिल रखने और बेचने के खिलाफ ग्राहक ढूंढने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उसको थाना
लाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिस पर उन्होंने बताया कि उनके पास 3 लाख मोटरसाइकिल है। इस संबंध में उसे मैं दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया, जिस पर वह किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिस पर चोरी की माकूल आशंका होने की स्थिति में आरोपी से उक्त वाहनों को जब्त कर 40-4/3 आदमी कायम कर जांच कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद के वन परिक्षेत्र में एक दंतैल हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक हाथी का नाम एमी 5 और उम्र 25 वर्ष आंकी गई। वन अधिकारियों ने बताया कि नर मादा हाथी कोडार जलाशय के वन विकास निगम के कक्ष क्रमांक 854 से होते हुए सीरपुर जाते वक्त शिकारियों के लगाए बिजली के जाल में फंसने से एक हाथी की मौके पर मौत हो गई। 3 सदस्यीय टीम ने वन अधिकारियों की उपस्थिति में हाथी का पोस्टमार्टम करा, गड्ढे में दफना दिया। वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से शिकारी के गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। दूर से एक चिंगारी देखी गई, तुरंत वन अमले ने यहाँ पहुंच के देखने का प्रयास किया, बिजली की लाइन को कटवाया, लेकिन तब तक पता चला कि एमी 5 की उसमें देख के डेथ हो चुकी थी, क्योंकि एमी 1 साथी में था आसपास, तो तुरंत पास से देखना मुश्किल रहा। लेकिन जैसे कि थोड़ी देर बाद देख के समझ में आया कि ऊपर से नहर पार करते हुए एक 11 kV की लाइन जा रही है, उससे एक फंदा लगा के एक GI वायर खींचा गया था, जो कई बार छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए लगाया जाता है, और संभवतः उसी में टच करके ME5 जो कि 25 साल का नर दंतैल है, उसकी डेथ हुई है। बलरामपुर के सामरीपाट थाना के टाटी झरिया में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया है। मृतका की हत्या में शामिल एक युवक को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की महिला सहयोगी की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी और मृतका रिश्तेदार हैं। रंजिश के कारण मृतका को शराब पिलाने के बाद आरोपी ने तालाब में फेंक कर हत्या कर दी। दिनांक 27/9/2022 को ग्राम टाटी झरिया में ग्रामीणों के माध्यम से एक रिपोर्ट आया था कि बांस टोली तालाब में एक महिला का शव तैरता हुआ ऊपर आया है, जिसकी सूचना पर थाना के स्टाफ वहां पहुंचे और जब देखे कि महिला का शव तैर रहा है, ग्रामीणों के माध्यम से शव को बाहर निकाला गया। शव के साथ में पत्थर बांधा हुआ था, जो किसी न किसी रूप में शव को छुपाने की नीयत से उसको तालाब में डाला गया था। पाए जाने से धारा 201-302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और कानून व्यवस्था को पालन के लिए नरियरा तिलाई गांव में फ्लैग मार्च निकालकर स्थानीय लोगों से बातचीत कर विश्वास अर्जित किया और स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करके प्रशासन की सहयोग करने की अपील भी की। फ्लैग मार्च के दौरान अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार, अकलतरा थाना प्रभारी उपस्थित थे। विशेष पुलिस टीम थाना अकलतरा नगर पुलिस ने मोटरसाइकिल वाहन चोरों के खिलाफ शहर में सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुखबरी की सूचना पर थाना प्रभारी विशेष पुलिस टीम ने कोटमी सोनार रेलवे स्टेशन के पास से 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार भी किया। अधिकारियों ने आरोपियों के पास से चोरी की स्कूटी और बाइक भी बरामद की। पुलिस अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।